होनी चाहिए। ठाकुर जी ने विचार किया, देखो एक वर्ष में इन्हें स्मरण भी नहीं हुआ कि यहाँ पारस करता है। प्रभु ने मन में विचार किया ऐसे तो लेंगे नहीं, तो श्री ठाकुर जी ने क्या किया, शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे रैदास जी, तो शालिग्राम भगवान को एक दिन जगाने के लिए गए, वहां 5 सोने की मोहरें देखी। रैदास जी ने कहा राम राम, ये ठाकुर जी मोहर पैदा करने लगे हैं। रैदास जी ने चिमटे से उठाया और मोहरों को उठा उठा के गंगा जी में डाल दिया। दूसरे दिन भी यही क्रम, अब प्रतिदिन मोहर उठाए हैं चिमटे से गंगा जी में डाल दिया है। एक दिन रैदास जी बड़े उदास थे, उनकी स्त्री ने पूछ लिया, ना आज आप उदास हैं, खिन्न मन है। बोले देवी भयंकर कलयुग आ गया है। कैसे ना, भयंकर कलयुग कैसे आ गया है, मेरे साधु तो पारस देने लगे हैं और भगवान मोहर उगलने लगे हैं, तो आदमी बचे तो बचे कैसे, भयंकर कलयुग आ गया है। तो 3 दिन से रैदास जी रोज उस सोने की मोहर को चिमटे से पकड़ते थे, गंगा जी में डाल देते थे, इस भाव से कि पैसा पापी साधु को छुअत लगा देता, ये अनर्थकारी है, दोषकारी है, उसको छूने से मेरे मन में दोष आ सकता है। उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगारे, ज्ञान और वैराग्य जब धन आता है ना, तो सब विवेक वैराग्य सब नष्ट कर देगा। छूते भी नहीं थे रैदास जी डर के मारे। तो 3 दिन तक तो क्रम चलता रहा, 4th दिन रैदास जी ने ठाकुर जी को भी चेतावनी दे दी, बोले प्रभु 3 दिन से तो आपकी लीला को सह रहे हैं, कल अगर मोहर पैदा की तो मोहरों के साथ आपको भी गंगा जी में डाले हैं, बेकार में सेवा के चक्कर में पड़ रहे हैं, ये सेवा कब हमें घातक हो जाए इसका क्या भरोसा, तो आपकी सेवा भी हम नहीं करेंगे, बैठ के राम राम करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी सेवा की, या तो कल मोहर नहीं निकले और मोहर निकली तो आपको भी गंगा जी में जल समाधि दे देंगे। तो ठाकुर जी ने विचार किया, भाई मौजी भगत है इनका क्या भरोसा, कल मोहर के साथ हमें भी गंगा जी में पधरा दें तो क्या भरोसा इनका। तो श्री ठाकुर जी ने रैदास जी को स्वप्नादेश किया, रैदास जी ये मोहर हम आपको आपके लिए नहीं, बल्कि इस मोहरों का, इस द्रव्य का आप सदुपयोग करें, इससे संत सेवा करें, भक्त सेवा करें, इसके लिए हम आपको यह द्रव्य देते हैं। रैदास जी ने कहा, नाथ ये सब मेरे बस की बात नहीं है, आपको जहाँ लगे कि संत सेवा भक्त सेवा हो सकती है आप उनको मोहर राजी राजी प्रदान कर दें, पर जब हमें चाहिए ही नहीं तो आप हमारे वैराग्य को बिगाड़ने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। ठाकुर जी बार बार रैदास जी से प्रार्थना करते रहे, तो रैदास जी ने अपने गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से प्रार्थना की, तो रामानंदाचार्य जी के मठ से रोज एक शिष्य आता और वो मोहरें चिमटे से उठा के रैदास जी शिष्य को दे देते थे, लेकिन कभी भी अपने मन पर भरोसा करके उन्होंने उस द्रव्य का स्पर्श भी नहीं किया। यह इस बात से बताया कि प्रोज्जित कैतव धर्म क्या है, उज्जित कैतव, उज्जित माने रहित, कैतव माने कपट, कपट रहित धर्म को परम धर्म कहा है। कपट का मतलब श्री ठाकुर जी से किसी भी वस्तु पदार्थ की अगर हमारे मन में इच्छा है तब तक वह भक्ति कपट कपट युक्त भक्ति है। भगवान से केवल भगवान को ही चाहो, भगवान से केवल भगवान की ही चाहना होनी चाहिए। भगनाथ हम आपकी प्राप्ति के लिए ही आपका भजन कर रहे हैं और इधर प्राप्तियों के लिए हम आपका स्मरण नहीं कर रहे, यानी साधन भी भगवान रहे और साध्य भी भगवान रहे, भजन कर रहे हैं भगवान के लिए, भगवान से भगवान को ही चाहो और दूसरी कोई इच्छा ना रहे। हमारे पूज्य बाबा महाराज का एक भाव है बड़ा सुंदर, दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तो हे छोड़ और कछु ना ही मांगू रे, तू ही मेरा सोना चांदी, तू
अतिरिक्त कोई भी इच्छा भक्ति को कपटयुक्त बना देगी। कोई भी इच्छा, यहाँ तक कि परम धर्म में मोक्ष की इच्छा भी त्याज्य है। मोक्ष की इच्छा भी भगवान से नहीं रखनी चाहिए। तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कुटिल कर्म ले जाहि जहां मोहि, यह अपनी गरिया। ये नाथ, नरक में भी हम जावे, अगर हमारे पाप हमें नरक में ले जा रहे हों, आप हमें रोकना मत। हमें आपसे मोक्ष भी नहीं चाहिए। केवल हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदिन अधिकाई, आपके चरणों में हमारा निष्काम प्रेम हो जाए और वो अनुदिन माने हर दिन बढ़ता रहे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये प्रोज्जित कई का धर्म, ये कपट रहित धर्म। जिस समय केवट ने राम जी को पार किया है, रामचरितमानस में प्रसंग है, तो राम जी ने खूब प्रयास किया, केवट को मणि जटित मुद्री दे रहे थे, ऐसी मुद्रिका कि फिर कई पीढ़ी तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी कीमती मुद्रिका दे रहे थे। बहुत किए करुणा यतन, नहीं कछु कर, नहीं कछु केवट ले। बहुत प्रयास किया, बहुत कीन प्रभु लखन सी। राम जी ने नहीं, राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारा चेला है, गुरु जी कह देंगे तो चेला मान जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ले लो। नहीं गुरुदेव, गलत बात आप सिखाएंगे तो आपकी भी नहीं मानेंगे, नहीं ले। बालक पिता की ना माने लेकिन माँ की मान जाता है। राम जी ने सीता जी को इशारा किया, आप कह दीजिए तो ले लेगा। तो बहुत कीन प्रभु लखन सी, जानकी मैया ने भी कहा, ले लो केवट, राम जी दे रहे हैं तो मना क्यों कर रहे हो, तुमने मांगा थोड़ी है, पर राम जी अपनी ओर से दे रहे हैं तब क्यों मना कर रहे हो। लेकिन नहीं कछु केवट ले, केवट बार बार मना करता रहा। बार बार मना करने पर तब राम जी ने प्रसन्न होकर भक्ति विमल वर दे, बहुत देने पर भी जब मुद्रिका नहीं ली तो केवट के बिना मांगे ही राम जी ने अपनी ओर से प्रसन्न होकर अपने चरणों में उसको विमल भक्ति प्रदान कर दी, अविरल भक्ति दे दी। और मुद्रिका लेके केवट संतुष्ट हो जाते तो भक्ति थोड़ी मिल सकती। जीव अपनी स्थूल बुद्धि की गति तक जहां तक मांग सकता है, मांगने का प्रयास करता है, लेकिन श्री ठाकुर जी में तो इतनी देने की सामर्थ है, इतना तो जीव मांग भी नहीं सकता। मांगने में इतनी बुद्धि चल भी नहीं सकती जितनी ठाकुर जी देने में सामर्थ रखते हैं। सच बात तो यह है कि हम लोगों को मांगना भी भगवान से नहीं आता। नरसिंह जी को भाभी ने बाहर कर दिया, निकल जाओ, निठल्ले काम धाम करते नहीं हो, बैठे रहते तो कौन बैठे बैठे खिलाएगा, घर से बाहर कर दिया। एक शिव मंदिर में जाके पड़ गए, 3 दिन तक तो भूखे प्यासे पड़े रहे। पार्वती जी ने शंकर जी को डांटते हुए कहा, हे शंभो, नाम तो आशुतोष रख लिया है आपने, अरे साधारण से गृहस्थ के घर में कोई आदमी चला जाए अतिथि, तो वो भी अपने अतिथि को भूखा नहीं मारता, और 3 दिन से ये बालक आपके मंदिर में पड़ा है, आप आशुतोष बने बैठे हैं, आपने सोचा भी नहीं कि बालक पड़ा पड़ा मर जाएगा, प्रकट होके दर्शन दीजिए इसको, और जो चाहता है वो दीजिए। शंकर जी प्रकट हो गए पार्वती जी के घर में। नरसिंह जी, क्या चाहिए आपको, 3 दिन तक आप हमारे दरवाजे पर भूखे प्यासे पड़े रहे। नरसिंह जी सोच रहे हैं, जब साक्षात शंकर जी कह रहे हैं तो मांगने में तो चूकेंगे नहीं, लेकिन ऐसा मांगेंगे। शंकर जी से नरसिंह जी कहते हैं, हे शंभो, आप कहते हैं मांग लें तो हमें तो मांगना नहीं आता, आप ऐसा कहीं ऐसा ना हो उल्टी सीधी चीज मांग लें फिर बाद में पछतावें, ये क्यों मांग लिया, ये मांग लिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। ऐसा करिए, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आपको जो सबसे प्रिय हो, जो सबसे अच्छा लगे वो हमें दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, बड़ा चतुर है। शंकर जी मन में विचार करने लगे, भाई मेरी परम प्रिय वस्तु तो श्री राधा माधव लाल की महाराज लीला है,
ज्यादा महाराज रस्य प्रिय शंकर जी को कुछ नहीं है। तो शंकर जी ने नरसी जी को गोपी रूप धारण करा के श्री राशेश्वर और राशेश्वरी राधा रानी के महाराज रस का दर्शन कराया। अगर नरसी जी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ और मांग लेते तो क्या नरसी जी को महाराज रस मिल सकता था? जीव अपनी बल बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करके बहुत घाटे में रह जाता है, ठगा जाता है। केवट ने मांगा भी नहीं और देने पर भी नहीं लिया, तो भक्ति विमल वर देव राम जी ने केवट को मांगना नहीं पड़ा, अपने चरणों में विमल भक्ति अविरल भक्ति प्रदान कर दी। तो ये है परम धर्म, जहां सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल पर चारी बिहाई। जिस भक्ति में, जिस धर्म में स्वार्थ है, छल है, छल से मतलब ऊपर ऊपर कह रहे हैं आप ही धन, आप ही माता, आप ही पिता, फिर भीतर भीतर और भी कुछ कुछ चाह रहे हैं, ये भी धंधा भी बढ़ जाए, यहाँ भी मुनाफा हो जाए, तो ये क्या है? छल है, ऊपर से कुछ भीतर से कुछ। जिस व्यक्ति में स्वार्थ है, छल है और फल किसी भी प्रकार के फल की इच्छा है, वो भक्ति कभी परम धर्म नहीं बन सकती है, वो कभी सिद्ध नहीं हो सकती है। सहज स्नेह का नाम परम धर्म है। सहज स्नेह, सहज स्नेह का एक ही लक्षण है, उस स्नेह में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं। और सहज स्नेह या तो भगवान जीव से कर सकते हैं या भगवान के भक्त जीवों से कर सकते हैं। संसार में सहज स्नेह करने वाला तीसरा कोई नहीं है, क्योंकि जहां भी स्नेह दिखाई पड़ रहा है उसमें कुछ ना कुछ सूक्ष्म में स्वार्थ रहता ही रहता है। एक माँ भी है, बालक का पोषण कर रही है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म स्वार्थ छिपा रहेगा, बड़ा होके सेवा करेगा, काम कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है। सहज स्नेह भगवान कर सकते हैं या भगवान के भक्त कर सकते हैं, तीसरा कोई सहज स्नेह नहीं कर सकता। संसार सहज स्नेह नहीं, संसार स्वार्थ की पूर्ति करता है। भागवत जी में छल रहित, स्वार्थ रहित मोक्ष की इच्छा को त्यागने की सामर्थ्य देने वाले परम धर्म का वर्णन भागवत जी में हुआ है, इसलिए भागवत धर्म वैदिक धर्म से भी ऊपर बढ़ गया। पर परमो निर्मत शरणम सताम, पर भाई ध्यान यह रखें कि भागवत के अधिकारी निर्मत्सर संत ही हैं। हम लोग कहते सुनते हैं तो जीवन में उतना लाभ नहीं दिखाई पड़ता, और इसी कथा को जब मात्सर्य रहित संत कहते सुनते हैं तो उनके जीवन में देखो कथा का किस तरह का रस प्रवाहित होता है और कथा का किस भांति लाभ उनको मिलता है, वो हम तो नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे अंदर मात्सर्य रूपी दोष है, विकार है। मात्सर्य जब तक है, मात्सर्य क्या है? परोत्कर्षा सहनम मत्सरः, दूसरे के उत्कर्ष को, प्रगति को, उन्नति को सह ना पाने की जो आदत है, हम लोग सह नहीं पाते हैं, ये मात्सर्य। किसी से द्रोह है, किसी से संस्पर्धा है, किसी से द्वेष है मन में, ये क्या है? ये मात्सर्य है। चित्त जब गुण विप्र मुक्त होकर भजन करता है तो उसका एक अलग रस, अलग आनंद होता है। जैसे प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी कह रहे हैं गुण विप्र मुक्त हो पद युगालय अहंस हे नाथ, मैं आपकी लीला कथा जब गाता हूँ ना तो राग और द्वेष रूपी द्वंद्व से मुक्त होकर गाता हूँ, इसलिए उस लीला गान में अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। लेकिन हमारे तुम्हारे चित्त में अभी राग द्वेष रूपी द्वंद्व है, इसलिए भगवत लीला का यथार्थ रस हम लोगों को मिल नहीं पाता है। तो निर्मत्सर संत भागवत के अधिकारी हैं। वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ को बनाया है जिसमें श्री कृष्ण परम तत्व, परम वेद्य, वास्तविक जानने योग्य तत्व का वर्णन किया है, और
किंवा परई ईश्वर है। भागवत ग्रंथ के श्रवण के बाद फिर किसी ग्रंथ को उलटने पलटने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और सद्य हृदय वृद्धते त्रिकृतवी शुश्रूषु भी तत्क्षणा, हृदय में सद्य भगवान आ जाते हैं। अगर कथा के सुनने की इच्छा भी हो जाए ना, इच्छा मात्र से हृदय में श्री ठाकुर जी आ जाते हैं। और सुन लिया जाए तब तो महिमा की बात ही क्या है। अग्रम श्लोक में व्यास जी महाराज कह रहे हैं, निगम कल्प तरोर गलितम शुक मुखालमृत रव संयुतम पिबत भागवत रस मालयम मुहुरहु रसिका। निगम कल्प तरोर गलितम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत, जो रसमय है। खाने की जरूरत नहीं है, पीने की जरूरत है। कान से पीते रहो, ऐसा फल है भागवत। निरंतर पीते रहो, कितनी बार पिए बोले आलयम, जीवन की आखिरी श्वास तक इसे पीते रहो। मुहु बार बार पियो, ऐसा नहीं एक बार सुन ली अब दोबारा क्यों सुने। लेकिन रसिका भूमि भाव का बार बार कौन सुनेगा, कौन पिएगा? जो रसिक होंगे वो ही बार बार पिएंगे। और जिनको रस मिला ही नहीं है कथा का, वो पी नहीं सकते बार बार। ऊब जाएगा मन, अघा जाएगा मन। जैसे शौनक जी हैं, रसिक श्रोता हैं, शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से, हे भगवान स्वादु स्वादु पदे पदे वयम तु न वितृप्यामो, हम तो तृप्त ही नहीं हो रहे हैं इस कथा रस को पीकर, कीर्तन नाम रस को पीकर। मन में तृप्ति ही नहीं हो रही है, क्योंकि स्वादु स्वादु पदे पदे, हर शब्द हर अक्षर बड़ा रसमय है। जितनी बार सुनोगे उतनी बार एक नए रस का अनुभव कराएगा। कथा वही है लेकिन जितनी बार सुनोगे मन में आएगा, अगर रस के रस मिल गया है तो अरे भाई ये ऐसा आनंद तो इस चरित्र में पहली बार आया, ये बात तो सुनने को नई मिली है, ये सिद्धांत तो बड़ा दिव्य है, बहुत अच्छा है। स्वादु स्वादु पदे पदे, हर शब्द हर अक्षर रसमय है भागवत जी का। जितनी बार सुनाया जाएगा उतनी बार नए रस की अनुभूति देगा। शौनक जी ने प्रश्न किए सूत जी से, शास्त्रों का सार क्या है? छह प्रश्न किए हैं। कल्याण क्या है? कल्याण का साधन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कौन कौन से अवतार भगवान ने लिए? और धर्म क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से दिया है। शौनक जी बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है। धर्म शब्द सुनने में बहुत छोटा सा है लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है। हमारे सनातन धर्म में कितने कर्म हैं, कितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, तप करना, व्रत करना, दान करना, तीर्थाटन करना, जप करना, सदाचरण का पालन करना, योग आदि की प्रक्रिया को साधना, ये कितने क्रियाएं हैं धार्मिक। तप करना भी धर्म है, दान करना भी धर्म है, व्रत करना भी धर्म है, कितनी क्रियाएं हैं। लेकिन मनुष्य प्रायः एक असमंजसता में रहता है कि तप करना ही धर्म है, या दान देना उससे भी ज्यादा बड़ा धर्म है, या व्रत करना सही धर्म है, या तीर्थों में घूमना धर्म है। लेकिन ध्यान यह रखना चाहिए कि विशुद्ध धर्म वही है जो धर्म, जो धर्म की क्रिया हमारा श्री भगवान के चरणों में प्रेम पैदा करा दे, वो सबसे बड़ा धर्म है। किसी निश्चित क्रिया को धर्म नहीं कहा है। ये हमें ध्यान रखना है, हमें विचार करना है कि क्या करने से ठाकुर जी के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ रहा है, अनुराग बढ़ रहा है, हमारे लिए वही सबसे बड़ा धर्म है।
और ये महापुरुषों की अनुभव की हुई बातें हैं कि संसार के जितने भी धार्मिक कृत्य हैं उनसे भगवत चरणों में उतना प्रेम पैदा नहीं होता है जितना कि भगवत कथा श्रवण करने से और भगवत नाम संकीर्तन से जितना भगवत चरणों में अनुराग होता है, ऐसा तो व्रत जप आदि से भी नहीं होता। ये चाहे तो स्वयं अनुभव करके देख लें। कथा श्रवण से जो प्रीति भगवत चरणों में होगी, ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करने से जो प्रीति का उदय चित्त में होगा, वो व्रत आदि करने से भी संभव नहीं है। इसलिए देखा जाए तो कथा श्रवण और नाम संकीर्तन से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सबसे उत्कृष्ट धर्म है कथा श्रवण नाम संकीर्तन। निरंतर भगवत चर्चा करते रहे, निरंतर भगवत चर्चा सुनते रहे, और कथा सुनने से, कीर्तन करने से जिस प्रीति का उदय होगा उसकी एक पहचान है, अहेतुक व्यवहिता। उसमें कोई हेतु नहीं होगा और वो कभी रुकेगी नहीं, उसकी गति कभी धीमी नहीं पड़ेगी। जैसे एक उदाहरण दिया है तृतीय स्कंध में कपिल भगवान ने, यथा गंगाम्ब सोमबुधो, जैसे गंगोत्री से गंगा जी जब निकली है, गौमुख से जब गंगा जी निकली तो बहुत पतली सी धारा के रूप में निकली है, फिर गंगोत्री में आई, फिर रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, इस तरह से गंगा जी का स्वरूप धीरे धीरे विशाल होता चला गया। और जब गंगा जी गंगा सागर में मिली है तो वहां तो गंगा जी साक्षात समुद्र जैसी दिखाई पड़ती है, लेकिन गंगा जी शुरू कहां से हुई थी, एक पतली सी धारा के रूप में गौमुख से, और विशाल होते 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 समुद्र रूपणी हो गई। वैसे ही कथा श्रवण से भगवान के चरणों में जो प्रेम उदय होगा ना, वो प्रारंभ में एक गंगा की पतली निर्मल धारा की भांति निकलेगा, और धीरे 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 निरंतर कथा श्रवण नाम संकीर्तन से वो पतली सी छोटी सी धारा धीरे धीरे विशालाकार होते होते साक्षात समुद्र रूप में, यानी विशाल भक्ति का रूप ले लेगी। और जैसे गंगा जी को रोकने के लिए ऋषिकेश में यदि जाएं तो जाकर देख सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े वृक्ष गंगा जी के मार्ग में आए, ऐसा लगा मानो गंगा जी के प्रवाह को रोक देंगे, लेकिन कोई चट्टान और कोई वृक्ष गंगा जी के प्रवाह को रोक नहीं पाया। इस निर्मल प्रीति का यह लक्षण है कि भगवान के चरणों में अगर एक बार निर्मल प्रीति कथा श्रवण से हो गई ना, तो चाहे जितने प्रतिबंधक तत्व सामने आ जाएं, चाहे जितनी बाधाएं जीव के सामने आ जाएं, बल्कि जहां जहां गंगा जी को रोकने के लिए बाधा आई, वहां वहां गंगा जी और तीव्र गामनी हो गए और ज्यादा तेज उनका प्रवाह हो गया। तो भक्तों के जीवन में जब भी प्रतिकूलताएं आती हैं, ऐसा नहीं कि उनकी भक्ति शिथिल हो जाती है, जहां प्रतिकूलताएं आती है वहां भक्तों की भक्ति में और एक प्रवाह आ जाता है और तीव्रता आ जाती है। चाहे जितने भक्त, आप किसी भक्त के जीवन में उदाहरण ले लें, जब कोई विषमता आई, जब कोई प्रतिकूलता आई, उनकी भक्ति बंद नहीं हुई, उनकी भक्ति और तीव्र हो गई। और हमारी तुम्हारी स्थिति, जरा सा जुकाम हुआ, सर दर्द हुआ, और कुछ छूटे ना छूटे, 10 मिनट जो भजन करते होंगे वो सबसे पहले छूटे होते, आज शरीर स्वस्थ नहीं है तो आज भजन नहीं कर पाएंगे, आज कथा में नहीं आ सकेंगे, और खाना सोना और कुछ नहीं छूटेगा, पर जो 10 मिनट का जो भजन साधन होगा वो जरूर छूटेगा। और एक और भीष्म पितामह को देखो, शरशैया पर पड़े, रोम रोम में बाण घुसे, तीक्ष्ण बाण, एक क्षण के लिए भी स्मृति ठाकुर जी को छोड़कर इधर उधर नहीं जा रही। ये निर्मल प्रीति का लक्षण है, कथा श्रवण नाम संकीर्तन से निर्मल प्रीति का अभ्युदय होता है। वो एक रस चलती रहती है, एक रस, जैसे गंगा जी गंगा सागर में मिलकर विश्राम लेती हैं, वैसे ही कथा श्रवण से उत्पन्न हुई भगवत प्रेम की धारा श्री ठाकुर जी के चरणों में मिलकर ही विश्राम लेती है, और बीच में कहीं उसका विश्राम नहीं होता, कहीं शिथिल नहीं पड़ती, कहीं मंद नहीं पड़ती। प्रतिकूलता आने पर भजन साधन छूट गया तो वो भक्ति कैसी? मीरा जी के जीवन में
हमारे जीवन में तो उतनी प्रतिकूलताएं हैं भी नहीं जो उन भक्तों के जीवन में थी। मीरा जी के जीवन में देखो कितनी प्रतिकूलताएं थी। एक पद में मीरा जी ने कहा, पैण पैण पर पैणया बैठा और पैण पैण बट मार। राणा जी ने पग पग पे हत्यारे खड़े कर दिए थे, मीरा कहीं बाहर साधु संग के लिए जाए तो इसको वहीं के वहीं समाप्त कर देना। विषैली शैया पर सुलाया गया, भूत महल में सुलाया गया, विष पिलाया गया, सर्प भेजा गया, पर फिर भी तो मीरा जी की भक्ति ने विश्राम नहीं लिया। जयदेव जी के जीवन में देखो, हाथ पांव काट के कुएं में गिरा दिया और तो भी हरिनाम ले रहे, नाम संकीर्तन कर रहे। जितने भक्त हुए उन सबके जीवन में हम ये उदाहरण देख सकते हैं कि विषमताओं में उनकी भक्ति ने उछाल लिया है, विषमताओं में उनकी भक्ति और तीव्र रूप से प्रवाहित हुई है। तो विशुद्धा भक्ति का तो यही लक्षण है, जो अहेतुक्य व्यवहिता, जो कभी व्यवहित नहीं होती, कभी रुकती नहीं। तो धर्म क्या है? भगवत चरणों में प्रेम करा देने वाली क्रिया का नाम ही धर्म है, जो क्रिया भगवत चरणों में अनुराग करा रही है। स्वयं विचार करके देख लें, कौन सी क्रिया भगवान के चरणों में प्रेम दे रही है, वही परम धर्म है। उसी को बार बार करो, वही करने योग्य है। तो सूत जी ने बड़ा सुंदर, बहुत दिव्य धर्म की परिभाषा कही है। और शौनक जी महाराज की जिज्ञासा पर पुरुषार्थ चतुष्टय का उन्होंने वर्णन किया है। पुरुषार्थ चतुष्टय में चार चीजें आती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का वास्तविक फल क्या है, अर्थ का वास्तविक फल क्या है, काम और मोक्ष का वास्तविक फल क्या है? सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक जी, धर्म तो बता दिया, भगवान के चरणों में जो क्रिया प्रेम दे वो धर्म है। अच्छा, धर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन धर्म का फल कहीं अर्थ तो नहीं मान लिया है कि धर्म हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें अर्थ मिल जाए, हम भजन इसलिए कर रहे हैं कि बिजनेस बढ़ जाए, हम कथा इसलिए कह रहे हैं कि धन की प्राप्ति हो जाए, तो धर्म का फल कहीं हमने अर्थ तो नहीं समझ लिया? सूत जी कह रहे हैं, धर्मस्य याप वर्गस्य न अर्थायो कल्पते। धर्म का फल अर्थ नहीं होना चाहिए, धर्म का लक्ष्य अर्थ नहीं होना चाहिए, धर्म का लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए। मोक्ष मतलब संसार से छूटने की इच्छा। हम इसलिए धर्म कर रहे हैं कि हम संसार से छूट जाए, हम इसलिए धर्म नहीं कर रहे कि हमें और धन प्राप्ति हो जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए। हम लोग धर्म का फल अर्थ समझते हैं, जबकि धर्म का फल मोक्ष है। और अर्थ का फल हम लोग काम समझते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति। कितना पैसा आ गया, अब हम चाहे जितनी अपनी सुख सुविधा में चाहे इसको बर्बाद करें, चाहे लगावें, चाहे दुरुपयोग करें। प्राय लोग कह देते हैं हमारी कमाई है, हम चाहे जहां लगाएं। लेकिन ध्यान रखें, अर्थ अगर श्री ठाकुर जी ने दिया है, आवश्यकता के अनुसार उसका सदुपयोग अवश्य करें, और आवश्यकता से अधिक यदि दिया है तो अर्थ का प्रयोजन धर्म होना चाहिए, उस अर्थ को धार्मिक कृत्य में लगा देना चाहिए। भागवत जी तो कहती हैं, यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना। जितने में ये जठर बढ़ जाए ना, पेट का गड्ढा, मनुष्य का अधिकार उतने पर ही है, और यदि उससे ज्यादा वह संग्रह करता है तो वह चोर है। अब इस दृष्टि से यदि हम देखें तो सब चोर हैं, हम सब चोर हैं, क्योंकि जितने में जठर भर रहा है उतने में तो कोई संतुष्ट है ही नहीं। कितना संग्रह करते हैं, कितना परिग्रह करते हैं। इस दृष्टिकोण से संसार में हर व्यक्ति प्रायः सब चोर मिलेंगे। और सस्तेनो दंड अर्हति, ठाकुर जी कह रहे हैं वो दंड का अधिकारी है, और मैं उसे दंड देता भी हूँ। क्या दंड देते हो? बोले वो धन उसके अंदर विकार पैदा कर देगा, वो धन उसके अंदर मद पैदा कर देगा, वो जीव मेरे से बहिर्मुख हो जाएगा, वो जीव कभी मेरा नाम नहीं ले पाएगा, ये मैं दंड देता हूँ उसे। प्राय ये देखने को मिलता है संसार के जितने सब बड़े से बड़े धनिक
सबसे बड़े नास्तिक होते हैं, सबसे बड़े बहिर्मुख होते हैं, उनके जीवन में भक्ति का लेश भी नहीं होता। ये ठाकुर जी क्या ये दंड दे दें भगवान, तुम मेरा नाम भी नहीं ले पाओगे, मैं तुम्हें ये दंड दे रहा हूँ। और जीव भगवान से ही बहिर्मुख हो जाए, पीठ करके बैठ जाए, इससे बड़ा कोई दंड, इससे बड़ा कोई नुकसान जीव का हो सकता है? इसलिए अर्थ का लक्ष्य काम नहीं होना चाहिए, अर्थ का लक्ष्य धर्म होना चाहिए। देखो चारों का परस्पर बड़ा क्रम है, आपस में बड़ा संबंध है। धर्म का लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए और अर्थ का लक्ष्य धर्म होना चाहिए। अर्थ का लक्ष्य कामना न हो, और अगर अर्थ है भी और कामना क्या हो? भगवत जी में लिखा है कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावत्। अर्थ अगर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी कामना की पूर्ति में उसे लगाएं, केवल जितने में जीवित रहें उतना अपने पास रखें। और जीवस्य तत्र जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। और जीना क्यों है? भगवत भक्ति के लिए, ठाकुर जी की भक्ति के लिए जीना है, और जीने का कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए जीना है, बस यही लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, और कोई लक्ष्य नहीं। बड़ा सुंदर धर्म अर्थ काम और मोक्ष का बहुत सुंदर निरूपण सूत जी महाराज ने किया है। शौनक जी की जिज्ञासा पर भगवान के 24 अवतारों के विषय में बताया, तब शौनक जी महाराज ने जिज्ञासा की, हे भगवान अब आप कृपा करके बताएं कि व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से भागवत जी को बनाया। तब सूत जी कह रहे हैं, शौनक जी, भागवत प्रणय नारद जी की प्रेरणा से हुआ है। एक बार व्यास जी 17 पुराण बना लिए, उपपुराण, वेद, शास्त्र, ब्रह्म सूत्र सब बना दिया, लेकिन व्यास जी को मन में संतोष नहीं हुआ। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, व्यास जी आप असंतुष्ट दिखाई पड़ते, कारण? बोले कारण आप ही बताएं। बोले आपने इतने ग्रंथ बना दिए, इतना साहित्य बना दिया, पर आपने अभी तक कृष्ण यश नहीं गाया, इसलिए हमारी प्रार्थना है आप कृष्ण यश गाएं, तब आपका साहित्य सृजन सफल होगा। भाई बड़े से बड़ा ग्रंथ हो, बड़े से बड़ा साहित्य हो, लेकिन उसकी शोभा तब तक नहीं होती है जब तक कि उसमें ठाकुर जी का नाम यश न गाया जाए। और वही ग्रंथ पढ़ने सुनने योग्य है जिसमें भगवत यश है। हर तरह का ग्रंथ भी नहीं पढ़ना चाहिए, बुद्धि को भ्रमित कर देता है। जिसमें भगवान के यश की और भक्तों के यश की प्रधानता है वही ग्रंथ पढ़ने चाहिए। ये श्रणवंती गायंती गृणंती साधव, जिसको साधुओं ने खूब कहा है, खूब सुना है, जो एक प्रामाणिक है, वही कथा कहो, वही सुनो। क्योंकि मानस जी में लिखा है, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह सोह नवसन बिना नर नारी, सोह नवसन बिना नर नारी, राम नाम बिनु गिरान सोहा, राम नाम बिनु गिरान सोहा, शोभा हो सकती है क्या? संभव नहीं है। कोई ग्रंथ भाषा की दृष्टि से, वैदुष्य की दृष्टि से खूब उत्तम हो, खूब बढ़िया हो, पर यदि उस ग्रंथ में ठाकुर जी की ही चर्चा नहीं है तो क्या उस ग्रंथ की शोभा होगी? नहीं हो सकती है। इसलिए वही ग्रंथ, वही साहित्य पढ़ें जिसमें भगवत यश हो, ठाकुर जी की चर्चा हो, और दूसरा हर तरह का साहित्य, उपन्यास, ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए।
नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने इतने पुराण बनाए लेकिन भगवद यश को प्रधान करके कोई साहित्य नहीं बनाया, यानी सब ग्रंथ उत्तम हैं, सब में भगवद यश है, पर ऐसे है जैसे आटे में नमक। अन्य वर्ण धर्म प्रधान कर दिया, किसी में आश्रम धर्म प्रदान कर दिया, पर भगवद यश प्रधान नहीं किया। अब ऐसा ग्रंथ बनाइए जिसमें भगवद यश ही प्रधान हो और कुछ प्रधान हो ही ना। तब व्यास जी महाराज ने नारद जी से प्रेरणा ली है और नारद जी ने उनको अपना पूर्व चरित्र सुनाया। व्यास जी देखो, मैं भी निरंतर कृष्ण गुणगान करता हूं, आप जानते हैं ये प्रेरणा पूर्व जन्म में मुझे विशुद्ध श्री हरि के भक्तों का संग करने से प्राप्त हुई। जिस समय मैंने अबोधपने में साधु संग किया था, भाई अमृत को तो अगर कोई अंजान में भी पी ले तो भी तो अमर होता है। विशुद्ध संतों का संग अगर अज्ञान में भी हो जाए ना तो भी उसका लाभ होता है। जिस समय नारद जी को संतों का संग मिला है, उस समय नारद जी की अवस्था मात्र 5 साल की थी, जानते भी नहीं थे कि सत्संग की क्या महिमा होती है या संतों का संग किस तरह से करना चाहिए। माँ ब्राह्मण के घर में काम करती थी, दासी थी, वहीं नारद जी भी अपनी माँ के साथ चले जाते थे। दिन भर माँ काम करती, कोई ना कोई वैष्णव आते रहते थे ब्राह्मण के घर में, तो उनकी सेवा करने का माता जी को सौभाग्य मिलता और माता जी की कृपा से हमें भी सौभाग्य मिल जाता, यानी नारद जी को सौभाग्य मिल जाता। और उच्छिष्ट लेपान अनुमोदित उद्दिजही सकृत स्म भंजे तदपास्त कलवेशः। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज, 5 साल की उनकी अवस्था थी, पूर्व जन्म की बात बता रहे नारद जी, कोई सच्चे संत घर में पधारे, माता जी ने भोजन कराया, भोजन कर लेने के बाद जो बर्तन में जूठन लगी रह गई थी उसको नारद जी ने पा लिया। अब उसकी क्या महिमा है, वो पाना चाहिए या नहीं पाना चाहिए, ये नारद जी नहीं जानते थे, बस पा लिया और उसको पाने का क्या प्रभाव रहा। तद धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, जैसा भक्ति धर्म उन संतों के हृदय में था वैसा ही भक्ति धर्म नारद जी के हृदय में जाग गया, केवल जूठन खाने से। और वह भी सकृत्स्म, एक बार खाई थी, केवल एक बार। और उसका परिणाम, जब नारद जी की माँ मर गई है, 5 साल के थे तो माँ धाम चली गई, तो उस समय नारद जी रोए गए नहीं बल्कि माँ की मृत्यु को भगवत कृपा के रूप में देखने लगे। देखो कितनी कृपा ठाकुर जी ने की, जंजाल से छुड़ा दिया। तो अब यहाँ प्रश्न है कि 5 साल के बालक को ये बुद्धि किसने दे दी कि माँ की मृत्यु को भी कृपा मान रहे हैं, जबकि ये बुद्धि तो बड़ों बड़ों को नहीं मिलती है। बोले भाई ये बुद्धि उच्छिष्ट लेपा, संतों के उच्छिष्ट ने, संतों के जूठन ने ये बुद्धि नारद जी को दे दी। 4 चीजें अगर नहीं है तो चाहे जितने बड़े से बड़े संत का, महापुरुष का संग कर लो, लाभ नहीं होगा। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं, नारद जी महाराज बता रहे हैं। ते मय्य पेता खिल चापले भगे दांते धृतक क्रीड़न के अनुवर्तिनी। एक तो जब भी संतों का संग करें, चंचलता चित्त में नहीं होनी चाहिए, चपलता। चंचल पात्र में वस्तु टिक नहीं सकती है। नारद जी छोटे से हैं पर बड़ा गंभीर स्वभाव था नारद जी का। बालक में कभी भी गंभीरता नहीं होती है, छोटा सा बालक 4-5 साल का बहुत चंचल होता है, एक जगह 1 मिनट से ज्यादा नहीं बैठे। और जिस बालक में चंचलता न हो तो समझ लेना चाहिए ये बालक साधारण नहीं है। शंकराचार्य जी ने ये बात कही है, बाल तावस क्रीड़ा सकता है, तरुण तावस तरुणी रखता है। किसी युवक के अंदर विषय भोग की तृष्णा ना हो तो वो युवक साधारण नहीं है। और किसी वृद्ध आदमी के अंदर तृष्णा का आवेश ना हो, प्यास ना हो, अब वृद्ध लोग क्या होता है, करने की शक्ति तो शरीर में होती नहीं है, पड़े पड़े तृष्णाओं का पुल बनाते हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए,
बालकपन में चंचलता ना हो, जवानी में विषय भोग की प्यास ना हो और बुढ़ापे में तृष्णा का आवेश ना हो, तो समझ लेना चाहिए वो बालक, वो युवक और वो वृद्ध साधारण नहीं। क्योंकि प्रायः ये तीनों चीजें इन तीनों अवस्थाओं में होती ही होती, निश्चित रूप से होती है। और 100 बालक देखो, उनमें से कोई एकाध बालक ही दिखाई पड़ेगा जिसमें चंचलता ना हो, नहीं तो प्रायः बालकों में चंचलता होती है। पर नारद जी कह रहे हैं मैं 5 साल का था पर मुझमें चंचलता नहीं थी, इतना गंभीर नारद जी का स्वभाव। वे संत जब ठाकुर जी की सेवा करें, भोग लगावे, स्नान करावे, तो नारद जी बड़े ध्यान से देखते थे। और जब आपस में शास्त्र की चर्चा करें तो नारद जी वहीं बैठ जाते। 5 साल का बच्चा शास्त्र के सिद्धांतों को क्या समझेगा, और वहीं बैठ जाते थे। तो वे संत पूछ लेते थे, बेटा तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? नारद जी कहते, महाराज समझ में तो नहीं आ रहा है, पर अच्छा बहुत लग रहा है। तो ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अनजान में ही अमृत पियो। अनजान में भी अमृत पियोगे, बिना अमृत की महिमा समझे भी अमृत पियोगे तो भी अमर हो जाओगे। किसी को अमृत की महिमा न पता हो और अमृत पी ले तो भी तो अमर होगा। भले ही तुम्हें सत्संग यह सिद्धांत शास्त्र ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, पर ये निरर्थक नहीं जाएगा, तुम सुनो तुम्हें लाभ होगा। नारद जी वो सत्संग चर्चा सुना करते थे। तो संतों की सन्निधि में रहने वाले के अंदर गंभीरता होनी चाहिए, चपलता नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज दांते, संयम होना चाहिए अपने ऊपर, इंद्रियों के ऊपर संयमितता होनी चाहिए। जो संयमित व्यक्ति है उसको साधु संघ बहुत जल्दी लाभ करेगा, और जो इंद्रिय लोलुप है उसको लाभ उतना नहीं करेगा। और अनुवर्तिनी तीसरी चीज, संतों ने जो कह दिया उसका तुरंत अनुवर्तन करना चाहिए, अनुवर्तन मतलब तुरंत आज्ञा का पालन। और चौथा अल्पभाषणी, संतों के पास जब भी जाए अल्पभाषण, बहुत कम बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आवश्यकता से ज्यादा कभी ना बोले, नहीं तो कई बार मर्यादाओं का अतिक्रमण लोग कर देते हैं। प्रायः इस मद में देखो उन संत से हमारी पहचान है, वो हमारे बहुत घनिष्ठ हैं, वो हमारे बड़े करीब हैं। बड़े घनिष्ठ हैं या जान पहचान है तो उसका मतलब ये थोड़ी उनकी छाती पे चढ़ के बोलेंगे। अल्पभाषी होना चाहिए, सदा संतों की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए, अल्पभाषण, आवश्यकता से ज्यादा कभी न बोले। 4 चीजें यदि हैं तो सत्संग का लाभ होगा, और 4 चीजें नहीं है तो बड़े बसे बड़े संत के पास चले जाओ, वहां जाके भी कोई लाभ नहीं होगा।